अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे सब हो गई है। अरे रुकिए रुकिए, हम मदद कर देते हैं ना। जी नहीं, आप नहीं मदद कर सकते। क्यों? कहने का मतलब ये है कि ये हमारे गांव की रस्म है। मेरे शादी में भी मेरे सास ससुर ऐसे ही शगन की थाल लेके आए थे और ये थाल सीधे पंडित जी के पास जाएगी, और अगर पंडित जी को कुछ चाहिए तो वो इसी थाल में से यूज करेंगे। भाई रसम है तब तो निभानी पड़ेगी। जी बिल्कुल जी, आइए आइए। अरे हरमन जी, ये लीजिए। हरमन जी, हाँ जी। हरमन जी बाहर वो लोग आ गए हैं। कौन लोग आ गए? ढोल वाले। ढोल वाले आ गए। ग्रेट, ऑलराइट ऑलराइट ओके। तो अब से आप लोगों का रास्ता अलग, हम लोगों का रास्ता अलग। जी मतलब क्या कह रहे हैं आप? ढोल वाले आ गए भाई, तो हम लोगों को लड़के वाले बनना पड़ेगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि लड़के वाले किस तरह एंट्री करते हैं। बुलाओ सबको। चलिए आप थोड़ा यहाँ पे अभी संभाल लीजिए। वैसे तो सारे काम हो चुके हैं, लेकिन हमारे सब रिश्तेदार बाहर खड़े हैं, ढोल वाले आ चुके, अब हमें बाराती बन के आना ही होगा। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज हम लोगों का स्वागत जरा सा अच्छे से और कीजिएगा। आप लोग वेलकम वेलकम कीजिएगा, हमको महसूस तो हो कि हम बारात लेकर कहीं जा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप इत्मीनान रखिए, बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। स्वागत करने में हम किसी से कम थोड़ी ना। क्या बात है, चलिए चलो चलो चलो। आखिर वो पल आ ही क्या, पूर्वी की शादी हो रही है। रणबीर तुम यहाँ क्यों नहीं हो? खुशी की शादी में नहीं थे? पूर्वी की शादी में तो तुम्हें होना चाहिए ना। पता नहीं क्यों दिल में एक आस है, एक उम्मीद है कि तुम आओगी, तुम जरूर आओगी, मेरे लिए आओगी। आ जाओ ना रणबीर, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, प्लीज आ जाओ। यह मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी जल्दी तू आगे से शादी कर। तू पहले मुझे ये बता, तू खुश है ना? हाँ तू खुश है ना? लेकिन तू मुझे बता कि तू हैप्पी है कि नहीं। ओ गॉड, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। तू तो खुश होगी ना, तूने मुझसे कहा था आरवी से शादी करने के लिए। आई थिंक सबसे ज्यादा तू ही खुश होगी, है ना? हाँ पर वो पहले की बात थी, अरमान के बोलने से पहले कि आरवी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओए कहाँ खो गई, बोल ना, तू खुश है ना? हाँ बिल्कुल खुश हूँ। क्यों, तुझे इतना खुश देख के मैं कैसे खुश नहीं हो सकती हूँ? तेरी खुशी के लिए तो उस चोमू आशुतोष को भी हाँ कर दिया था मैंने। कितना अच्छा समझा था ना मैंने उसे, बहुत गलत सोचा मैंने उसके लिए। इनफैक्ट वो तो बहुत ही अलग निकला। छोड़ना पियू, इतना बड़ा दिन है, उस कोचू को क्यों याद करी? अच्छा आई एम सॉरी मैंने ये टॉपिक निकाला, पर तू उसे भूल जा, उसका नाम भूल जा, उसका एग्जिस्टेंस तो भूल जा, ठीक है? एक मिनट दी, तुझे बुखार है? आई थिंक मुझे ऐसा लगा था। नहीं नहीं तू रुक, मेरे पास दवाई है, अभी बैग में रखी। मैं क्यों कर रही है अभी? अरे नहीं दी, तू बैठ, क्या करती, खुद का ध्यान नहीं रखती। बैठ जा, मेरे पास दवाई है, मैं दवाई दे रही हूँ तुझे। ध्यान क्यों नहीं रखती है तू अपना? रुक जा, पानी ये रहा। ले पकड़। अरे Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।